दूर कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन है। मैं हम देखते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं किसी भी बैच के नाम पे, सर हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए होता क्या है कि जो पुराने काफी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया था उनकी भी ये समस्या थी, तो उनको हमने भी ये बताया था, आपको भी बताते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है या जिन्होंने नहीं भी किया है। एक्चुअल में है क्या कि साइंस जो सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, तो इसमें कोई ऐसी हमारे पास डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या वोकैबुलरी की इंग्लिश नहीं आती है कि आपको बहुत कठिन लगे कि ये इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है सर, है ना। तो साइंस में कभी भी कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी हिंदी की नहीं, कभी अंग्रेजी की नहीं। आप एक एनसीईआरटी 11 12 की बुक रखो, वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम की 11 12 की एनसीईआरटी रखो और जो चैप्टर चल रहा होगा, तो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में ये खासियत है सर कि वहां हिंदी टर्म के आगे ब्रैकेट में इंग्लिश भी लिखा गया रहता है, जो भी हेडिंग होती है उसमें हिंदी के आगे इंग्लिश भी लिखा गया रहता है। तो होता क्या कि जब आप शुरू में कोशिश करोगे, समझना, जब आप शुरू में कोशिश करते हो तो आपको लगता है कि सर पूरा अंग्रेजी चल रहा है, क्योंकि आप कोशिश करने नहीं चाहते अंदर से कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट में हमेशा हिंदी में भी अंग्रेजी में भी दोनों बेसिक यही है, हिंदी में तो कभी खोजा ही नहीं गया था साइंस का पॉइंट, है ना। तो वो बहुत कठिन नहीं होता लैंग्वेज की प्रॉब्लम, स्पेशली फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, और जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं वो समझने बहुत आसान है। बस ये कि आप पहले दिन करोगे तो आपको लगेगा सर टिपिकल हो रहा है, कठिन हो रहा है, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो दिन करो, तीन दिन करो, चार दिन, जब आप 10 से 12 दिन ये कंटिन्यू चीजें कर लोगे क्लास, कि क्लास को किस तरीके से पिक करना है, कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको कहां से उठाना है और बुक में किस तरीके से मिले, तो कई फायदे हैं। कि हिंदी मीडियम वालों को एक फायदा ये भी होता है, इंग्लिश वालों को फायदा नहीं मिलता, ये हिंदी वालों को मिलता है कि उनको जब इंग्लिश में चीजें यहां लिखेंगे भी तो वो एक बार कोशिश करते हैं तो उस बहाने बुक भी पलट जाती है उनकी, बुक उठाएंगे देखेंगे बुक पलट गई। तो हिंदी मीडियम वाले तो एडवांस करके ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कि अगर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए थोड़ा